ये जो आसमान आपको नीला नीला दिख रहा होगा और ये पौधे पेड़ अपने आप, प्रकृति ये कह रही है कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ, मैं कितना लोगों को ऑक्सीजन देती हूँ, और हमारा ये फर्ज बनता है इस प्रकृति की रक्षा करना, यहाँ के मौसम का रक्षा करना, यहाँ के ये पहाड़ों की रक्षा करना। जब भी इन पहाड़ों को देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि ये पहाड़ हमें बुला रहे हैं। सुबह काफ़ी ठंड था यहाँ, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा दिन आगे बढ़ रहा है, मौसम अब ठीक होता हुआ नज़र आ रहा है और हर तरफ हरियाली है। आसमान में आज भी बादल हैं और ये बादल, कुछ ही नहीं पता मौसम का कि कब बारिश हो जाए, लेकिन अभी तक तो ऐसा है कि बारिश की संभावना नहीं दिख रही है, धूप है। आइए चलिए हम बढ़ते हैं धीरे धीरे, और आज यूं ही घूमने का प्लानिंग हो गया और आपको घुमाने की प्लानिंग हो गई कि आपको दिखाऊं। तो ये पेड़ कोई फल है, अब इसकी जानकारी अभी नहीं है मेरे पास, लेकिन कुछ और पेड़ पौधे मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें कि काफ़ी फल आया हुआ है, अखरोट के पेड़ और भी सब। बारिश जब हल्का हो जाता है तो ऐसा लगता है कि सारे पौधों को धो दिया गया है, और जब सारे पौधे धुल जाते हैं तो ऐसे चमक रहे हैं क्या बताएं। चिड़ियों की चहचहाट आपको सुनाई दे रही होगी, क्योंकि यहाँ न तो पॉल्यूशन है, न तो यहाँ पे कोई शोरगुल है, न ही यहाँ पे गाड़ियों का शोरगुल है, हर तरफ शांति ही शांति है। और ये हमारे मित्र हैं, बैठे हुए हैं धूप और प्रकृति का आनंद ले रहे हैं। योगा अभी थोड़ा देर पहले ही किए थे इन्होंने, तो अभी इनको अकेला छोड़ देते हैं, शांति से डिस्टर्ब नहीं करते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए चुप होता हूँ और आपको ये जो चिड़ियों की चहचहाट है उसको सुनिए, और कुछ प्राकृतिक जो वातावरण है उसको देखिए।
बारिश हो गया स्टार्ट। हाँ बारिश स्टार्ट, और अब हो सकता है कि बर्फ भी आ जाए, गोले गोले भी आ सकते हैं। हाँ लेकिन अभी नहीं आएगा, उम्मीद कम है। अभी तो बारिश की बूंदे चांदी की तरह चमक रही हैं, बादल हैं बहुत हैं आसमान में। उस दिन भी बारिश हो रही थी जब हम बाजार गए थे नीचे, और आज भी बारिश हो गई। आधा घंटा पहले ही तेज धूप था, धूप इतना तेज था कि हम सब्जी तोड़ने नहीं गए, हम कहे कि थोड़ा धूप कम हो जाए। हाँ और यहाँ अचानक ही बादल आए और बरस गए। उस दिन शाम को भी बारिश हुआ था और आज भी बारिश। बारिश सुबह क्यों नहीं आ रहा है, शाम को क्यों आ रहा है, ये बड़ा सवाल है। उस दिन भी शाम को हुआ बारिश, और जबकि बारिश सुबह भी होना चाहिए था। शाम को पता है क्यों आता है? ठंड बढ़ाने के लिए, कि शाम को बारिश होगा तो ठंड ठंड और बढ़ेगा। अभी थोड़ी ना ठंड हुआ है, अभी तो हम चारों ओर इन पहाड़ी पे ना बारिश हो रही है। हमने क्या करना है, अभी तो ऐसे ही पड़ा रहने देना, थोड़ी देर ठंडी हो जाएगी, और निकाल के पीसना है उसे। बहुत तेज नहीं हुआ बारिश, बढ़िया मसाला बन लेगा। अरे तो बारिश तेज में हो तो यहाँ के लिए अब बहुत काफी ये है। मिट्टी की जो सोंधी सोंधी खुशबू है ना, वो आने लगी हल्की बारिश से। सुनिए आप इधर सामने आएंगे तो आपको ये पता चलेगा, बारिश शमापत। समाप्त अब दोबारा फिर से तेज बादल गरज रहे हैं। ओ अटैक हो जाएगा तुम पे बिजली का। बिजली यहां गरजता है बहुत, और बरसता भी है। आज बारिश का भी आनंद लीजिए आप लोग, हल्की हल्की बरसात हो रही है, बहुत ज्यादा नहीं है। सामने चोटी के ऊपर तो बादल हैं, इसका मतलब कि बारिश तेज हो सकता है, और ये बादल यहाँ पे आके स्थिर हो गए हैं, अब ये दूर नहीं जा रहे हैं। कुछ बादल ऐसे थे क्या कर रहे हैं ये इतनी बारिश में, जो हवा में उड़ जा रहे थे, तो क्यों काट रहे हैं? उससे तो हवा वाले बादल से उड़ जाते तो बारिश नहीं होती, लेकिन यहाँ पे ये बादल रुक गए हैं आसमान में, तो इससे ये संभावना बन रही है कि